नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम सारे लोग आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और साथी सीबीआई हेडक्वार्टर्स के सामने बैठकर बहुत शांतिपूर्वक तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। सुबह अरविंद केजरीवाल जी को 11 बजे सीबीआई में पेश होना था, हम लोग उनके साथ गए और क्योंकि हमें अंदर नहीं जाने दिया, हम सीबीआई मुख्यालय के बाहर ही बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से बैठ गए। लेकिन शायद भाजपा की हुकूमत को यह बर्दाश्त नहीं था, उन्होंने फरमान जारी किया दिल्ली पुलिस को कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को उठाकर पकड़ के जेल में डालो, और उसी के चलते आज दोपहर हम शांतिपूर्वक तरीके से सीबीआई मुख्यालय के बाहर बैठे हुए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने वहाँ आकर लाठियों की बरस बौछार करी और हमारे एक एक नेता को पकड़ के बस में डालकर यहाँ नजफगढ़ पुलिस थाने में ले आए। हमारे इस जिन लोगों को डिटेन किया गया है आज, उसमें राज्यसभा के सांसद मौजूद हैं, पंजाब सरकार के हमारे कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं, दिल्ली सरकार के हमारे कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं, हमारे कई सारे साथी कार्यकर्ता नेतागण मौजूद हैं। हम सबको दिल्ली पुलिस ने ज़ोर ज़बरदस्ती से बसों में डालकर इस नजफगढ़ पुलिस थाने में ला रखा है और हम पूछ रहे हैं कि हमारा जुर्म क्या है, हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया, कौन सा अपराध कर दिया, आईपीसी की कौन सी धारा का हमने वायलेशन कर दिया जो आप हमें पुलिस थाने में ले आए हैं, हमें बंद करने जा रहे हैं। तो उसके बारे में कोई जवाब नहीं दे रहे, बस कह रहे हैं कि ऊपर से हुक्म आया है कि आप लोगों को पकड़ के बंद करना है और इसलिए हमें आपको उठाना पड़ा। एक प्रकार की तानाशाही, एक प्रकार की डिक्टेटरशिप का परिचय आज फिर से मोदी सरकार ने देश के सामने रखा है और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी केजरीवाल फोबिया की शिकार है। बीजेपी को केजरीवाल फोबिया हो गया है, उन्हें अरविंद केजरीवाल से इतना डर लगता है कि अब वो हमको पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। उनका मकसद एक ही है कि आम आदमी पार्टी को ख़त्म करो, अरविंद केजरीवाल को ख़त्म करो, कोई ना बचने पाए, सबको पकड़ पकड़ के जेल में डालो ताकि आम आदमी पार्टी की जो नई राजनीति, एक ईमानदार और साफ सुथरी स्वच्छ पढ़े लिखे लोगों की राजनीति इस देश में स्थापित हुई है, जिसमें गरीब आदमी को बुनियादी सुविधाएं दी जाती हैं, वो राजनीति ख़त्म हो जाए और फिर भारतीय जनता पार्टी को इस देश में चुनौती देने वाला कोई ना बचे। केजरीवाल फोबिया की शिकार बीजेपी आज कुछ इस कदर आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना चाहती है कि शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे आम आदमी पार्टी के सांसदों को, मंत्रियों को, नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रही है और आज हम उसी के चलते नजफगढ़ थाने में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं हमारे तमाम साथी, तमाम नेता मौजूद हैं और हमारा क्या अपराध है हमें ये भी नहीं बताया जा रहा है, लेकिन हम संघर्ष करेंगे, अंतिम सांस तक संघर्ष करेंगे। देश की जनता आम आदमी पार्टी के साथ है, एक एक शख्स हिंदुस्तान का अरविंद केजरीवाल जी के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। इनकलाब जिंदाबाद।